बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह हम सब का अपने इस जमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब को ढेरों खुशियाँ नसीब करें। मैं आज की रेसिपी शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से, जो हम सब पे बहुत बड़ा नहायत रहने वाला है। मैं आज की रेसिपी बना रही हूँ ये चिकन और करेले। 1/2 kg मैंने चिकन लिया है और 1 kg करेले हैं। करेले मैंने अच्छी तरह वाश करके काट लिए हैं और काट के उनको मैंने दो घंटे तकरीबन नमक लगा के रखा है। और ये ऑयल में मैं अब फ्राई कर रही हूँ चिकन। इसको फ्राई करके फिर करेले फ्राई करूँगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाई दोस्तों अजीज़ और रिश्तेदारों में शेयर कर देना, बेल का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुँच सके। आपकी सपोर्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी होगी सपोर्ट दोगे, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। ये चिकन फ्राई करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। चिकन फ्राई हो गया, मैंने निकाल लिया। अब मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। ये 1 kg करेले हैं, अब इनको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। करेले और चिकन की बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप भी ट्राई करना, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करेले फ्राई हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह। ये 2 मिनटों में और फ्राई हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। मैं अब इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। इसका कच्चा पान खत्म हो गया, लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये शामिल कर रही हूँ 1 प्याली प्याज और सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट। प्याज का भी कच्चा पान ख़त्म हो गया है। अब मैं टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, ये 1 बड़ा चम्मच। सब चीज़ें फ्राई हो गई हैं, इनकी अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब मैं शामिल कर रही हूँ ये सब्ज़ मिर्ची 3-4 है।
अब मैं पाउडर मसाले शामिल कर रही हूँ। ये एक टी स्पून सुरख मिर्च है, एक टी स्पून नमक है, एक काली मिर्च है हाफ टी स्पून, हल्दी है हाफ टी स्पून, ये धनिया पाउडर गरम मसाला एक टी स्पून, ये मेथी है एक टी स्पून, कोरमा मसाला हाफ टी स्पून, चिकन मसाला हाफ टी स्पून। मिक्स करती हूँ। छीटा पानी का लगाती हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। माशाल्लाह मिसालों में ये करेले बहुत अच्छे भुनाई हो गए हैं, बहुत खुशबू आ रही है मिसालों की, और ये करेले आयल अलग हो गया, आप खुद देख सकते हैं बहुत मज़ेदार बने हैं। अब मैं चिकन शामिल कर रही हूँ जो मैंने पहले फ्राई करके रखा था। पांच मिनट दम लगाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज की रेसिपी बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। ये आयल मसाला अलग हो गया, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों आज की रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी आपको। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाई दोस्तों अजीज और रिश्तेदारों में शेयर कर देना, बेल का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुँच सके। आपकी सपोर्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी सपोर्ट दोगे तो। दुआ में हमें याद रखना, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल करना। कल की रेसिपी में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। ये लगा सिर्फ